अब हम बात करेंगे रीजंस फॉर दी सक्सेस ऑफ मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल के सक्सेस होने का क्या कारण रहा। तो ग्रेगर जोहन मेंडल के सक्सेस होने का कारण यह था कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने एक बार में केवल एक, उसके बाद दो तथा उसके बाद तीन लक्षणों को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसके अलावा ग्रेगर जोहन मेंडल ने जिन भी लक्षणों को सेलेक्ट किया उनके केवल दो कॉन्ट्रास्टिंग रूपों का होना, जिस आधार पर उन्हें हम स्पष्ट रूप से अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेते थे। जैसे मटर का शेप, उसे केवल दो ही रूप थे, या तो राउंड या तो रिंकल, झुर्रीदार, गोल या झुर्रीदार। इसके अलावा ग्रेगर जोहन मेंडल के गणित का ज्ञान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहा। और अगली चीज़ ये रही कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में काफ़ी अच्छी सावधानी बरती, जिससे कि क्रॉस पोलिनेशन वगैरह में त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं थी। और साथ ही साथ ग्रेगर जोहन मेंडल भाग्यशाली भी थे, क्योंकि इन्होंने जिन सात कैरेक्टर का सिलेक्शन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सात के सात कैरेक्टर गुणात्मक थे, मात्रात्मक नहीं थे। और ये सातों कैरेक्टर केवल एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हुई, दूसरी चीज़ कि ये जितने भी कैरेक्टर थे इन सबको कंट्रोल करने वाले जीन अलग अलग क्रोमोसोम में ही स्थित थे। तो ये चीज़ें रहीं ग्रेगर जोहन मेंडल के सक्सेस होने का। साथ ही अब हम बात करेंगे कि मटर का पौधा एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल क्यों था, क्यों ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर के पौधे का ही सिलेक्शन किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसका कारण ये था कि जो मटर का पौधा होता है, एक तो वो एनुअल क्रॉप होती है और एक साल में उसकी एक जनरेशन पूरी हो जाती है, दूसरा कम स्थान घेरती है, तीसरा उसके फ्लावर काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, जिससे उसमें हम क्रॉसिंग कराने की टेक्निक में हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा मटर में पूरी तरीके से सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होने के कारण क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा होने वाली त्रुटि का कोई खतरा नहीं रहता, ठीक है। और साथ ही साथ जो मटर के सातों कैरेक्टर थे उनको स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा जा सकता था, जैसे मटर का शेप तो वो राउंड होगा या फिर रिंकल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि मटर के पौधे को सूटेबल बनाती हैं ग्रेगर जोहन मेंडल के रिसर्च के लिए।